विधायक राजेश धर्मानी ने आज घुमारवीं में सभी विभागों के अधिकारियों, पंचायत के प्रतिनिधियों व पंचायत समिति के सदस्यों से विधानसभा घुमारवीं में बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट ली। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि इस आपदा की घड़ी में प्रदेश सरकार हर व्यक्ति के साथ खड़ी है और भारी बारिश के कारण हुए सभी व्यक्तिगत नुकसान की भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि गत दिनों जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने जल्द से जल्द लोगों को राहत राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे, जिसको अमली जामा पहनाते हुए अधिकारियों ने रिपोर्ट एकत्रित कर राहत राशि जारी कर दी है। और उसमें निर्णय लिया था कि जितने केसेज, चाहे वो राजस्व विभाग है या हमारा ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग है, उनके पास जितने भी केसेज मंडे तक पहुंचे थे, उन सबको डिप्टी कमिश्नर अपने स्तर पे 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसकी स्वीकृति देंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिला बिलासपुर के अंदर 18,86,00,000 रुपए के कार्यों को स्वीकृतियाँ प्रदान की गई, जहाँ लोगों का व्यक्तिगत नुकसान हुआ था, कहीं पर डंगे गिरे थे, पशुशालाएँ गिरी थी और रास्ते गिरे थे, उनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए ये 18,86,00,000 की स्वीकृतियाँ पिछले 2 दिनों में डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर द्वारा दी गई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हमने ये इसलिए इसको इंस्टॉलमेंट्स में किया क्योंकि बारिश ख़त्म होते होते नुकसान बढ़ जाता है और तब तक हम उसका जो रिपेयर रिस्टोरेशन का काम है उसका इंतजार करते रहें, उन लोगों को काफ़ी नुकसान जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों को इसकी स्वीकृतियाँ दे दी हैं और पैसे डालने का काम शुरू कर दिया है उनके खातों में और वो अपने स्तर पर कार्यों को शुरू कर सकते हैं।